तो आज हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं 10 इंच के टैब का, जो कि लिया था असिस्टेंट कम्युनिकेशन से। ये टैब जो था ये हमें 15,000 के अंदर मिला था, 15,000 के अंदर। 4 GB और 64 GB है इसका। आज रिव्यू करते हैं छोटा सा। तो जैसा कि अभी मैंने इसको ऑन किया है, तो इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह का मिलता है। बड़ी अच्छी इसकी जो रेजोल्यूशन है। और ये जो है टैब, ये ड्यूल सिम के साथ भी है। इसमें आप सिम कार्ड भी लगा सकते हैं और ये सिम कार्ड भी वर्किंग करती है इसके ऊपर। अगर इसकी सेटिंग के ऊपर आपको मैं दिखाता चलूँ, तो सिम कार्ड ये आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, और इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलने देखने को मिलेगी 57.49 GB, यानी कि 64 GB का है। और मेमोरी की अगर आप बात करें तो ये 3.7 GB यूज है, यानी कि 4 GB इसकी मेमोरी है। और अगर मैं इसका आपको एंड्रॉयड का वर्जन दिखाऊं तो एंड्रॉयड है 8.1। कैमरा वगैरह जो है वो उसकी क्वालिटी को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी कैमरा क्वालिटी कुछ इसकी इस तरह की है। ये देखें, जैसे ये मैंने इसके पीछे, सॉरी, इसका कैमरा बेसिक यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इसकी कैमरे की क्वालिटी है। फ्रंट का कैमरा है उसकी भी तकरीबन सेम क्वालिटी है। एक जो चीज़ बड़ी मजे की इसकी में दी गई है, इसके अंदर इन्होंने एक डेलीगेटेड जो है वो की दी गई है स्क्रीनशॉट की, तो आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये है कि इसके ऊपर गेम्स वगैरह बड़े स्मूथली प्ले होती है, तभी कोई गेम जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो प्ले करके दिखाते हैं। ये देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेम काफ़ी सफर जो है बहुत स्मूथली इसके ऊपर रन हो रही है। इसके अलावा बाकी लूडो स्टार होगी, इस तरह की गेम्स जो हैं बड़ी स्मूथली इसके ऊपर जो हैं वो आप प्ले कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, कोई हैंगिंग वगैरह का सीन नहीं है, तो ये बड़ा स्मूथली जो है इसको जो है ये प्ले कर पा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, YouTube भी है और नॉर्मल गेमिंग जो है इस पर आप बड़े स्मूथली चला सकते हैं। तो अगर इसका रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर लाजमी कर दीजिएगा।